हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई जोरों से चल रही होगी आपकी। तो पढ़ाई जोरों से अगर चल रही है तो सबने TGT के जितने भी 4 राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया होगा एटलीस्ट। तो ये जो चैनल है इसका नाम ही दिमागी कसरत है, यानी अब आप दिमाग की कसरत कीजिए कि आपने कितना माइंड में रख रखा है अपने, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और उसके लिए ये प्रैक्टिस सेशन मैं दे रही हूँ और इसमें जितने भी 4 राइटर्स हैं उनके प्रैक्टिस कीजिए। अब तो ये है कि 4 राइटर्स से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो और उनकी लैंग्वेज पढ़ना और उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स को टिक करना, ये भी अपने आप में एक आर्ट है कि हर क्वेश्चंस का आंसर होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा के आ जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं उनको लगाते हैं और माइंड में फिट करते हैं कि क्या क्या हमने 4 राइटर्स के बारे में पढ़ा था। तो टुडेज टॉपिक हमारा जो है, मैंने जो है पढ़ा दिए हैं जॉन मिल्टन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिए हैं और विलियम शेक्सपियर के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए हैं। अब आते हैं, हमारा आज का टॉपिक है, विलियम शेक्सपियर भी कंप्लीट हो चुका है, आज का हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ, देन जॉन गॉल्सवर्थी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो भी हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हम उनको देखते हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं, इस पर विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। इसके बाद हम जो भी सेशन लाएंगे वो टोटल 125 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों इंक्लूड होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का विलियम वर्ड्सवर्थ के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको करते हैं। ठीक है, चैनल को देखते भी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो भी प्रैक्टिस सेशन है, केवल इंग्लिश ही नहीं चल रहा है इसमें, लिटरेचर ही नहीं चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर के भी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, हिंदी के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे, हिंदी के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अब आती है बात हिंदी और इंग्लिश, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और बीच बीच में और भी जो नॉलेजेबल पॉइंट्स होंगे वो भी आपको शेयर किए जाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच पोएम डज द लीच गैदरर ऑकर। और इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पर्सनल लाइफ है उसके डिटेल को जान लेते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कॉकर माउथ कम्बरलैंड में, कॉकर माउथ इन कम्बरलैंड इंग्लैंड। ठीक है, एज यू ऑल नो अबाउट इट, बस जस्ट आई एम रिवाइजिंग इट एंड आफ्टर दैट आई विल सॉल्व ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट, इन 1771 सिस्टर बॉर्न, व्हाट्स द नेम ऑफ सिस्टर, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ठीक है, 1771 में, यानी एक साल छोटी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ से बॉर्न हुई थी। ठीक है, 1776 में इनको कॉकर माउथ ग्रामर स्कूल में शिफ्ट किया गया। फिर क्या हुआ, तो हमने इनसे जो रिलेटेड कहते हैं ना, जो भी फेमस चीज़ें हैं वो केवल पढ़ी जाएंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो है वो है, इन 1770 बॉर्न 1771 डोरोथी शेक्सपियर, 1776 में ये ग्रामर स्कूल में कॉकर माउथ में शिफ्ट किए गए, 1778 में क्या हो गया, इनकी मदर की डेथ हो गई। मदर का नाम क्या था, मदर का नाम था एने कुकसन। क्या नाम था, एने कुकसन। इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था एने कुकसन। ठीक है ना, मदर नेम क्या था, एने कुकसन था। और फादर नेम क्या था, जो विलियम शेक्सपियर है उनकी मदर का नाम क्या था, मैरी आर्डेन। और इनका नाम है एने कुकसन, इनकी मदर का नाम था एने कुकसन। ठीक है, मैरी शेक्सपियर था विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम। और वहीं पर जब हमने ये पढ़ा था, मैरी शेक्सपियर था इनकी जो है मदर का नाम, 1778 में एने कुकसन की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 1779 आफ्टर द डेथ ऑफ मदर,
1779 इनको हॉक्सशर्ड स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। कौन से स्कूल में? हॉक्सशर्ड ग्रामर स्कूल में इनको शिफ्ट कर दिया गया। स्कूल में स्टडी की। लैक डिस्ट्रिक्ट जो है हॉक्सटेड में इनको शिफ्ट किया गया। आफ्टर दैट एक इंसिडेंट और हो गया। इन 1773 फादर डाइट, फादर की भी डेथ हो गई। इन 1783 1778 मदर डाइट, 1783 फादर डाइट, राइट। अब आता है कि 1783 में तो डाइट हो गई, 1787 में बिगन्स यूनिवर्सिटी और जॉन्स कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। कौन से कॉलेज में? जॉन्स कॉलेज में, क्रिस्ट कॉलेज में, जॉन मिल्टन में पढ़ाई की थी। क्रिस्ट कॉलेज कहाँ का था? क्रिस्ट कॉलेज था कैम्ब्रिज का। इन्होंने पढ़ा था, इनकी यूनिवर्सिटी थी कैम्ब्रिज। इनकी भी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज ही थी, लेकिन इनका कॉलेज था जॉन्स कॉलेज। जॉन मिल्टन का जो था कॉलेज क्रिस्ट कॉलेज था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी। बट केवल जो जॉन गॉल्सवर्थी हैं उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? उनकी यूनिवर्सिटी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जॉन्स जो है, जॉन्स ये क्या है, जॉन्स कॉलेज जो था इनका कॉलेज था, और ये कॉलेज आता था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, ठीक है, सेंट जॉन्स कॉलेज, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश्ड जो सोनेट इन्होंने फर्स्ट पब्लिश्ड की, एक पाइस ऑफ वर्क था वो 1787 में इन्होंने एक पाइस ऑफ वर्क था सोनेट का, पाइस ऑफ वर्क था सोनेट का, वही इन्होंने जो है पब्लिश किया था, ठीक है। 1790 ये फर्स्ट टूर ऑफ फ्रांस गए थे इन 1787 में इन्होंने यूनिवर्सिटी शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। इन 1790 गो टू फ्रांस और 1791 मेट एनेट वेलन, ठीक है। 1791 में ये जो है इन्होंने ग्रेजुएट किया, 1791 में इन्होंने ग्रेजुएट कंप्लीट किया, 1787 में स्टार्ट की थी इन्होंने यूनिवर्सिटी। तो ग्रेजुएट किया, बीए किया 1791 में, एनेट वेलन से भी फ्रांस में मिले, फर्स्ट टूर के लिए गए थे ये फ्रांस 1719 में। और फिर इसके बाद क्या हुआ, रिपब्लिकन मूवमेंट जो है फ्रांस में स्टार्ट हो गया। इन नवंबर ट्रेवल टू फ्रांस एंड रिपब्लिकन मूवमेंट स्टार्ट। 1792 में इन्होंने फ्रांस को छोड़ दिया, फ्रांस में इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी और एक क्या नारा चल रहा था, अभी बताते हैं आपको, उसको कंप्लीट करते हैं। वही जो है टैग लाइन्स थी इसके फ्रांस रेवोल्यूशन की, इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी एंड एक कोई और पॉइंट था, आई विल डिस्कस दैट वर्ल्ड, ओके। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का टैगलाइन था। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन 1793 रिटन पोर्ट डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक, ठीक है। 1795 में इन्होंने सेट हाउस कर लिया, यानी अपना हाउस सेट कर लिया, और मेट 1795 में हाउस भी सेट किया, और फर्स्ट टाइम ये मिले किससे, कॉलरिज से। इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे 1795 में, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कॉलरिज से, और इन दोनों ने मिलकर 1798 में एक अपना मैग्नम कार्टा इनका वर्क है लैरिकल बैलेट 1798 में पब्लिश किया, ठीक है। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, कुछ पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच पोएम डज द लीच गैदरर ऑकर, लीच गैदरर किसमें, उसका दूसरा नाम कह सकते हैं किसने प्रतीत होती, द प्रिल्यूड, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आफ्टर एप्पल पिकिंग या मेंडिंग वॉल्स। इन विच पोयम ऑकर लीच गैदरर, क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, फटाफट से बता दीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीच गैदरर क्या पूछ रहा है, लीच गैदरर के बारे में पूछ रहा है कि ये जो लीच गैदरर है ये नाम किसका था, ठीक है। तो लीच गैदरर किसका नाम था, लीच गैदरर नाम था, बताइए क्या नाम था लीच गैदरर, लीच गैदरर जो नाम था वो था किसका नाम था बताइए, लीच गैदरर जो नाम था उसका ऑप्शन, पहले का ऑप्शन का करेक्ट होता है बी, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। किसका नाम था लीच गैदरर, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो
रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस जो पोएम थी उसका दूसरा नाम था हमारा लीच कैगरर। उसका दूसरा नाम क्या था? उसका दूसरा नाम था लीच गैदरर। चलिए अब इसके बारे में अगर थोड़ा कहीं पर थोड़ा पता हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये पोएम जो थी, दिस इज़ अ लिरिक अबाउट इवोल्यूशन एंड ऑब्जर्व थ्रू हिज इन्वॉल्विंग विजन ऑफ एन ओल्ड मैन। ये लीच गैदरर जो थी, रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस इसका दूसरा नाम था, जो कि 1802 में कंपोस्ट की गई थी। इन 1802 इट हैज कंपोस्ट, ठीक है, और इट इज़ रिटन इन राइमर रॉयल स्टेंजा। 1802 में पब्लिश की गई थी और राइमर रॉयल में इसके स्टेंजा थे। किसके राइमर रॉयल में क्या थे? राइमर रॉयल में इसके स्टेंजा को फॉर्म किया गया था। और द पोएम एक आइडिया देती थी ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द इमेजिनेशन। ये एक ट्रांसफॉर्म करती थी पावर ऑफ द इमेजिनेशन, मतलब ये पोएम आइडिया देती थी, ट्रांसफॉर्म करती थी आइडियो को, किसमें? पावर ऑफ द इमेजिनेशन में। तो ये ओवरऑल ये समझिए कि इवोल्यूशन और ऑब्जर्व्स के थ्रू इन्वॉल्व करती थी अपने विजन को। ऑब्जर्वेशन और इवोल्यूशन के थ्रू ये इन्वॉल्व करती थी अपने किसी भी आइडिए को, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बताया 1802 एंड इट पोएम राइमर रॉयल स्टेंजा फॉर्म। राइमर रॉयल हैज हाउ मेनी लाइन्स? 7 लाइन्स इज राइमर रॉयल। हाउ मेनी लाइन्स? 7 लाइन्स, राइट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। हु इज द वर्ड्स वर्थ रिफरिंग इन द ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड? किसको रिफर किया गया था वर्ड्स वर्थ का? ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड। तो सेकेंड का हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा बी, स्पेंसर को रिफर किया गया था वर्ड्सवर्थ रिफरिंग टू इन ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड। किसको रिफर किया गया था? स्पेंसर को रिफर किया गया था। किसको रिफर किया गया था? स्पेंसर को रिफर किया गया था, किस लिए? ब्रदर इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड के रूप में, ठीक है। स्पेंसर को ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? इन 7 अप्रैल 1770 कॉकर माउथ कम्बरलैंड इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। विच पोएम डिस्क्राइब द वॉकिंग टूर इन द आल्प्स? ये ध्यान रखिएगा, वॉकिंग टूर इन द आल्प किस पोएम में डिस्क्राइब किया गया ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, पब्लिश्ड इन 1793। विच ईयर? 1793 पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, राइट। जो इनकी फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, जो इनका फर्स्ट वर्क था, मतलब कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है ये एक ट्रैवल पोएम कही जाती है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ ट्रैवल पोएम। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रैवल पोएम, ठीक है। ट्रैवल पोएम कही जाती है विच डील्स विद अल्पाइन टू, जो कि किससे डील करती है? अल्पाइन टू से। इससे डील करती है? अल्पाइन टू से डील करती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज अनदर नेम ऑफ ट्रैवल पोएम एंड इट डील्स विद अल्पाइन टू। इन दिस पोएम वी कैन सी द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉडविन्स जस्टिस। हम इस पोएम में क्या देखते हैं? हम इस पोएम में देखते हैं कि गॉडविन के जस्टिस का इन्फ्लुएंस देखते हैं। किसका इन्फ्लुएंस? गॉडविन्स के जस्टिस का इन्फ्लुएंस देखते हैं। विच पोएम? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में। इसकी हमको 3 लाइनें याद रखनी है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेवल पोएम एंड इट डील्स विद अल्पाइन टू, ठीक है। और इन्फ्लुएंस किसका मिलता है? गॉडविन जस्टिस का। गॉडविन्स के जस्टिस का इन्फ्लुएंस मिलता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड? और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। किसका? तो एक और देखिए, अल्पाइन टूर के बारे में डिस्क्राइब, यहाँ क्या लिखा है? वॉकिंग टूर इन एल्प्स, ठीक है। तो ये किसके टूर पे थे? आल्प्स के टूर पे थे। आल्प्स, अब जाहिर सी बात है आल्प्स एक प्लेस का ही नाम होगा, तभी ये टूर जो है जिक्र किया गया है। किसका? अल्पाइंस का।
ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा ये कि अल्पाइंस का जिक्र की एक ट्रैवल पोएम है, इनकी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस क्या है, एक तरीके की इनकी ट्रैवल पोएम है, और जो है इट डील्स विद अल्पाइंस टू, ठीक है, इट डील्स विद किसके बारे में, अल्पाइंस टू के बारे में डील्स करती है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 1793 में आई थी, कब आई थी, 1793 में पब्लिश हुई थी ये पोएम, 1793 में पब्लिश हुई थी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट क्वेश्चंस केवल इतना ही नहीं आएगा, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड डे बाय डे इंक्रीजिंग, तो ये पूछा जा सकता है कि 1798 में जो लिरिकल बैलेट्स आई थी ये किसका किसका, कौन कौन से राइटर्स इसमें शामिल थे, तो कॉलरिज प्लस वर्ड्सवर्थ, दो राइटर्स थे वो इसमें शामिल थे, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज की कितनी पोएम्स थी, तो कॉलरिज की 4 पोएम्स, बाकी 19 पोएम्स इनकी थी, टोटल हमारी 23 पोएम्स थी, टोटल हमारी कितनी 23 पोएम लिरिकल बैलेट्स में थी, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम्स कॉलरिज की थी। कॉलरिज की कौन कौन सी पोएम थी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एक इनकी ये पोएम थी, मैरिनर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट थी द फॉस्टर मदर्स टेल, नेक्स्ट पोएम थी द फॉस्टर मदर्स टेल, और इनकी कौन सी पोएम थी, द फॉस्टर मदर्स टेल। नेक्स्ट इनकी पोएम थी द नाइटिंगल, किसकी पोएम थी, नाइटिंगल, द नाइटिंगल किसकी पोएम थी, सैमुअल टॉयलर कॉलरिज की नाइटिंगल, ठीक है, नाइटिंगल। और लास्ट थी द डेंगियन, कौन सी थी, द डेंगियन, ठीक है। तो द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द फॉस्टर ऑफ मदर्स टेल, द डेंगियन और द नाइटिंगल, राइट, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, द डेंगियन, और कौन सी थी, द डेंगियन, द नाइटिंगल, द फॉस्टर मदर्स टेल, राइट। अब आती है बात विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो हमारी टोटल 19 पोएम थी वो क्या थी, द थॉर्न, द इडियट बॉय, ये सब अलग अलग पूछी जाती हैं, ध्यान रखिए, द थॉर्न, द इडियट बॉय, सीमन ली ये भी थी लिरिकल बैलेट्स में, सीमन ली, द ओल्ड हंट्समैन, द ओल्ड हंट्समैन एंड मोर पर्सनल पोएम्स सच एज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ठीक है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग भी जो है इन्हीं की पोएम थी। नेक्स्ट है न्यू, नेक्स्ट क्या थी, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। फिर हमारी नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फाइव ये हो गई, द थॉर्न, द इडियट बॉय, सीमन ली, द ओल्ड हंट्समैन, लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एंड नेक्स्ट है रिटन अ फ्यू माइल्स अबव, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव, यानी टिंटर्न एबे जो कि लिरिकल बैलेट्स की लास्ट पोएम है, टिंटर्न एबे, ये हमारे फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें था, और सेकेंड वॉल्यूम में, सेकेंड एडिशन में एडेड की मैनी मोर ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट करेक्टरिस्टिक वर्क, जो लूसी पोएम कही जाती है, ओल्ड कम्बरलैंड बेगर एंड माइकल पोएम है, ठीक है, अब पेस्टोरल है, ये सारी पोएम जो है लिरिकल बैलेट से ही रिलेटेड है, ठीक है, 19 पोएम, ध्यान रखिए इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है, द थॉर्न, द आइडियट बॉय, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, और लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबाउट इंटर्न अवे, ये सारी पोएम इन्हीं की है जो कि लिरिकल बैलेट से ही रिलेटेड है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है, वर्ड्सवर्थ हेल्ड द व्यू दैट द कॉमन लाइफ ऑफ द पुअर सिंपल पीपल
कैंसर वेस्फिट मटेरियल फॉर पोइट्री, नेचर कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पोइट्री, कॉमन मैंस लैंग्वेज इज टू रस्टिक फॉर पोइट्री, ठीक है, रस्टिक लैंग्वेज डिग्रेड्स पोइट्री। अब बताइए इसमें क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, द कॉमन लाइफ ऑफ द पुअर सिंपल पीपल कैन सर्व एज फिट मटेरियल फॉर पोइट्री। सिंपल पीपल को ही इन्होंने सर्व किया है जो कि इनकी पोइट्री के लिए फिट मटेरियल, एज फिट मटेरियल फॉर पोइट्री, ठीक है। आई होप 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल पीपल एंड रस्टिक लाइफ है ना, ये सिंपल पीपल एंड रस्टिक लाइफ भी आंसर सही था। 7 क्वेश्चन में आते हैं हम। 7 क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऑड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी डिस्क्राइब्स, ऑड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी डिस्क्राइब, तो ऑड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी था क्या, कौन सा जर्नी है, मतलब जर्नी बोला जाता ना, जर्नी कौन सा है इस पोयम का, तो ये एक क्या थी, ये एक ओड थी। ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी क्या डिस्क्राइब करती थी, ये एक तरीके की क्या थी, ओड, ये एक तरीके की क्या थी, ओड थी, ठीक है, ओड थी एक तरीके की। और हाँ, टिंटरनबे का फुल टाइटल ध्यान रखिएगा, कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटरनबे ऑन रीविजिटिंग द बैंक ऑफ वाई विच रिवर, वाई रिवर WYE वाई रिवर का एक्सप्लेनेशन किया गया है 30 जुलाई 1798। टूर कब का था, 13 जुलाई 1798, और वाई रिवर का जिक्र किया गया, ठीक है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी क्या डिस्क्राइब करता है, तो इट वॉज रिटन इन 1802। फर्स्ट इसके बारे में कुछ जान लीजिए, ये रिटन हुई थी 1802 में, 4 स्टेंजा में रिटन थी, रिटन इन 1802, 4 स्टेंजा में रिटन थी, लेटर ऑन 7 मोर स्टेंजा वॉज इंक्रीज्ड, और बाद में ये 7 स्टेंजा में हो गई थी, कितने स्टेंजा में हो गई थी, 7 स्टेंजा में हो गई थी, 7 मोर स्टेंजाज वॉज इंक्रीज्ड किए गए थे। तो पहली जो पोएम थी उसका नाम था ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी, बाद में जो इसका नाम हो गया वो क्या हो गया था, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो किस किस एज के बारे में बताया है इन्होंने, इस स्टेज ऑफ लाइफ के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड। तो बाद में जो टाइटल ऐड कर दिया गया, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी रिकलेक्शन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, 1802 में रिटर्न की गई थी, 4 स्टेंजा की थी, बाद में 7 मोर स्टेंजा ऐड हो गए थे। मोस्ट फेमस पोएम है ये इंग्लिश लिटरेचर में, और एक हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री कही जाती है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी को क्या कहा जाता है, हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इन 19th century, एंड इट हैज बीन रिटन इन पिंडारिक ओड फॉर्म। इन दिस पोयम वर्ड्सवर्थ टॉक्स अबाउट प्रीनेटल और पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस। इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने क्या डिस्क्राइब किया, प्रीनेटल स्टेज और प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया, प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया, कौन सा, प्रीनेटल एंड पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को, ये ध्यान रखिएगा, प्रीनेटल और पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को किस ओड में डिस्क्राइब किया, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी में, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1802 में रिटर्न हुई, 4 स्टेंजा में थी, बाद में 7 मोर स्टेंजा ऐड हो गए, हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री है 19th century, अर्ली चाइल्डहुड को एक्सप्लेन करती है, और डील्स करती है किससे, प्रीनेटल और पोस्ट डेथ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, इतनी इसकी खास बातें थी। और क्या है, सोल इज नॉन एग्जिस्टेंट, सोल लाइज इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड, दैट चाइल्डहुड इज मोर्टल। तो 7th का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सोल लाइज इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड,
पहले जो सोल होती है हमारी कहाँ लाई करती है, हेवन में, वर्ल्ड में आने से पहले, बिफोर कमिंग इन टू द लाइफ. सोल लाइज इन हेवन बिफोर कमिंग इन टू द वर्ल्ड. इन टिंटर्न अबे होम डज वर्ड्सवर्थ रिफर टू. टिंटर्न अबे में जिसको कि वर्ड्सवर्थ रिफर करती है हिज सिस्टर को, हिज मदर को, द कंट्रीमैन को, ऑल ऑफ अबव को. तो टिंटर्न अबे जो है वो रिफर करती है वर्ड्सवर्थ सिस्टर को, अपनी मदर को, द कंट्रीमैन को और ऑल ऑफ अबव को. किसको जो है वो टिंटर्न अबे वर्ड्सवर्थ किसको रिफर करते हैं? तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हिज सिस्टर. क्या हो जाएगा? हिज सिस्टर. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी बात कि जो इन्होंने पोयम लिखी है टिंटर्न अबे वो किसको रिफर की है? अपनी सिस्टर को रिफर की है. ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ड्रीरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ. द ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब अवर चीयरफुल फेथ दैट ऑल विच वी होल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स. फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? डॉवर विच सॉन्ग टू माई सेल्फ दीज लाइन आर रिलेटेड टू. किससे रिलेटेड है? टिंटर्न अबे से ये लाइन्स जो हैं वो रिलेट करती हैं कि ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ shall ever prevail against us disturb of cheerful faith. Michael, 10th question, Michael is कैसी poem है? Pastoral, imaginative, didactic या none of these. तो Michael is a pastoral poem. Michael क्या है? Michael एक pastoral poem है. चलिए अगले question पर आते हैं कि Michael is a Michael क्या है? माइकल इज इन पोयम फार्मर, कारपेंटर, शेफर्ड या पोइट. तो माइकल एक शेफर्ड था. माइकल क्या था? एक शेफर्ड था. ठीक है, माइकल क्या था? एक शेफर्ड था. और ये जो पोयम माइकल का जिक्र हो रहा है बार बार, ये पोयम जो है ये भी अपने आप में बहुत, इसको रीड कीजिएगा कभी पोयम तो पढ़िएगा तो पता चलेगा कि माइकल जो पोयम थी वो भी बहुत अच्छी इन्होंने लिखी थी. और इसमें जो है माइकल को बहुत पुअर दिखाया, मतलब पुअर दिखाया था. और ये रिटर्न की गई थी, माइकल पोएम जो है एक पेस्टोरल पोएम थी और रिटर्न की गई थी 1800 में. रिटर्न की गई थी माइकल पोएम. और ये के कौन से कॉटेज को? डव कॉटेज में रहता था माइकल. कौन से कॉटेज में? डव कॉटेज में रहता था. ग्रासमेरे के डव कॉटेज में रहता था. ग्रासमेरे के डव कॉटेज में रहता था. पर इसके घर का नाम क्या रख दिया गया था? इवनिंग स्टार. क्या नाम रख दिया गया था? इवनिंग स्टार. क्यों कहा जाता था? क्योंकि रात में उसके घर में जो रोशनी होती थी उससे चमक आती थी, इसलिए इवनिंग स्टार कहा जाता था. पेस्टोरल नरेटिव पोएम है. एक कॉमन ओल्ड मैन की बात की गई है. पूरा ऑनेस्ट शेफर्ड होता है जो कि इस दुख से मर जाता है कि उसका बेटा उसने खो दिया. और उसके बेटे का नाम क्या होता है? ल्यूक. उसके बेटे का नाम क्या होता है? हिज सन नेम इज ल्यूक. बिकॉज ऑफ हिज सम फैमिली मिसफॉर्चून की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, अपने बेटे को खो देता है. तो माइकल एक पेस्टोरल पोएम है रिटन इन 1800. राइट रिटन इन 1800. डव कॉटेज का एक्सप्लेन किया गया ग्रास मेरे के. ठीक है, चलिए आगे आते हैं. 12th क्वेश्चन, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड वेयर डज दीज लाइन अपीयर. ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू ओड टू ड्यूटी. ओड टू ड्यूटी वॉज कम्पोज्ड इन 1805, यानी रिटन इन 1805 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807. फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी? 1807 में. ठीक है, तो स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड दीज लाइन आर रिलेटेड टू ओड टू ड्यूटी. 1805 पब्लिश इन 1807 इन द पोएम पोइट गिव्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी. पोइट गिव्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी. इट इज अ फाइन ट्रिब्यूट टू द सेंस ऑफ ड्यूटी. ये क्या है? एक फाइन ट्रिब्यूट है सेंस ऑफ ड्यूटी को. एक फाइन ट्रिब्यूट है किसको? सेंस ऑफ ड्यूटी को. एंड द पोइट कन्वे अ मोरल. पोइट कन्वे क्या करता है? एक मोरल दैट वी मस्ट बी डिवोटेड टू ड्यूटी एंड इंट्रीगिटी इन आवर लाइफ. किसको कन्वे करता है? एक मोरल और इंट्रीगिटी को कन्वे करता है.
एंड द पोइट कॉल्स ड्यूटी द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, क्या स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, चलिए गो टू ड्यूटी, समझ में आ गया होगा कि पोइट इसमें नेचर और फंक्शन ऑफ द ड्यूटी की बारे में एक्सप्लेन करता है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 13 क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है लाओडामिया, लाओडामिया क्या है, लाओडामिया इज, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाओडामिया के बारे में। लाओडामिया जो पोयम है ये एक क्या है, ये सबसे पहले रिटन इन 1814, कब रिटन हुई थी, 1814 में रिटन हुई थी, और ये इट वाज रिटन अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वर्जिल, वर्जिल के इम्पैक्ट से ये पोयम लिखी गई थी, लाओडामिया वर्जिल के इम्पैक्ट से लिखी गई थी। इन इट वर्ड्सवर्थ हैज प्रेजेंटेड, क्या प्रेजेंट किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, रियलिटी और अपीयरेंस के बारे में इन्होंने इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, रियलिटी और अपीयरेंस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, और ये वर्जिल के, वर्जिल का अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वर्जिल से ये पोयम दिखाई गई है लाओडामिया। और लाओडामिया जो पोयम है इसका जनरे क्या है, और इसका जनरे है नन ऑफ दीज। 13 क्वेश्चन का आंसर है अ नरेटिव पोयम, लाओडामिया इज अ नरेटिव पोयम रिटन इन 1814, इम्पैक्ट ऑफ वर्जिल एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, राइट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ फॉरसाइट सागा, जॉन गॉल्सवर्थी, ठीक है ये क्वेश्चन कहीं से आ गया, जॉन गॉल्सवर्थी का इसमें। 15 क्वेश्चन कह रहा है रुथ इज अ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और रुथ क्या है, वर्स सटायर, वर्स ड्रामा, वर्स टेल्स या वर्स कॉमेडी, तो रुथ क्या है, रुथ है वर्स टेल्स, क्या है वर्थ टेल्स, तो हमने अभी बताया था रुथ आपको द रथ, और रुथ क्या है एक वर्स टेल है, वर्स टेल्स है, रुथ क्या है एक वर्स टेल्स है, ठीक है रुथ क्या है एक वर्स टेल्स है। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। वी वॉक्ड विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शन एंड ट्रू, अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स थो आई वॉज यंग, एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, वी वॉक्ड विद ओपन हार्ट, वी वॉक्ड विद ओपन हार्ट एंड टंग, अफेक्शन एंड ट्रू, अ पेयर ऑफ फ्रेंड्स थो आई वॉज यंग, एंड 16 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा अ कन्वर्सेशन, क्या आंसर हो जाएगा कन्वर्सेशन, We walked with open heart and tongue. These lines are related to a conversation. Move to next question. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. And these lines have been taken from French Revolution, The Prelude, Tintin Abbey and The Ruined Cottage. 17 का आंसर हो जाएगा हमारा French Revolution. क्या आंसर हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अलाइव, दीज लाइन ब्लिस वॉज इन इट दैट डॉन टू बी अलाइव, दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन, इससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो पोयम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें भी बताया था ना 1790 के अराउंड ये वहाँ थे, फ्रांस में टूर पर गए हुए थे और 1792 से फ्रांस से वापस आ गए, तो वहाँ पर ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वहीं पर ही था, फ्रांस में ही हो रहा था उस समय जब ये वहाँ पर गए थे। ये जो हमने आपको द रुथ पढ़ाया था ना, ये रुथ ये क्या हमने बताया वर्स टेल है, ये क्या है वर्स टेल है, तो इसको
रुत भी कहते हैं, ये जान लीजिए इसके बारे में कि ये टू रुत भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं और टू रुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू रुत और इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टू रुत या कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रुत क्या है? एक वर्स टेल्स है, और रुत क्या है? एक वर्स टेल्स है, और इसको क्या कहते हैं? इसको इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं। टू रुत क्या है? एक वर्स टेल्स है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये एक वर्स टेल्स है, और इसको इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं इसको। वर्स टेल्स भी है, और इसको क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं। रुत इज अ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, जो कि वर्स टेल है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहते हैं किसको? टू रुत को। और ये पैथेटिक स्टोरी है ऑफ लेडी रुत। रुत क्या होती है? एक लेडी होती है, लेडी का नाम होता है। पैथेटिक स्टोरी है लेडी की, और लेडी का नाम होता है रुत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुत क्या होता है? एक लेडी का नाम होता है। पैथेटिक स्टोरी है, इसे जनरे इसका वर्स टेल कहा जाता है, और इसको इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और ये लिखी गई थी 1799 को, कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पर लिखी गई थी? जर्मनी में लिखी गई थी 1799 को। ठीक है, तो रुत क्या है? एक लेडी का नाम है, एक वर्स टेल है, और इट हैज़ रिटन इन 1799 इन जर्मनी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कहाँ थे हम? 17 क्वेश्चन में थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। ये जो लाइन थी वो किससे रिलेटेड थी? वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड थी। तो ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है ये क्या है? इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रील्यूड। ये जो है क्या है? ये पार्ट ऑफ प्रील्यूड है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। और इंक्लूडेड इन बुक्स, किस बुक्स में इंक्लूड है फ्रेंच रिवोल्यूशन? XI, यानी कि 11 बुक्स। ये ध्यान रखिएगा, प्रिल्यूड की जो 11 बुक्स है, प्रिल्यूड की जो 11 बुक्स है, उसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन को का जिक्र किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि ये फ्रेंच रिवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड, एंड इट हैज़ डिस्क्राइब्ड इन 11 बुक्स इन 1804 अटेम्प्ट टू रिकैपिचुलेट द इमोशन ऑफ द एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द रिवोल्यूशन एंड इट्स कमेंसमेंट। वर्ड्सवर्थ बिगेन विद एन enthusiastic एंड sympathetic एटीट्यूड, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रील्यूड, राइट? और इसका जो एक्सप्लेन है वो 11th बुक में किया गया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन, सी dwelt among the untrodden ways इज अ poem डीलिंग विद। तो सी dwelt among the untrodden वे, ये पोयम किससे डील करती है? ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है कैसे भी घुमा फिरा कर आ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तभी जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो ये जो पोयम है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये पोयम लूसी पोयम कही जाती है, और ये किसके साथ डील करती है? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा, द ग्रीफ ओवर लूसीज डेथ। सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज एंड दीज पोएम्स डील्स विद द ग्रीफ ओवर लूसी डेथ। ये दुख व्यक्त करती है किस पर? लूसी की डेथ पर ये दुख व्यक्त करती है। 19 का क्या होगा? टुनाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, यू टू द टाउन मस्ट गो, एंड दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम Tonight will be a stormy night. You to the town must go. These lines have been taken from. 19 questions का जो है वो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 19 क्वेश्चन आपने पढ़ा, और 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी लूसी ग्रे। तो ये जो पोयम है, Tonight will be a stormy night.
ब्लिस वॉज इटिन, ध्यान रखिएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन की लाइन है, ब्लिस वॉज इटिन फ्रेंच रिवोल्यूशन की नाइट है, और टू नाइट विल बी अ स्टॉर्मी नाइट, स्टॉर्मी नाइट ये लूसी गे की लाइन है, यू टू द टाउन मस्ट गो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 20 क्वेश्चन पे। एंड सिंग्स अ सॉन्ग अ सोलेटरी सॉन्ग, एंड सिंग्स अ सॉन्ग अ सोलेटरी सॉन्ग दैट विशल्स इन द माइंड, फ्रॉम विच पोएम टू दीज लाइन्स बिलोंग, एंड 20 क्वेश्चन ऑल्सो रिलेट टू लूसी ग्रे। एंड सिंग्स अ सोलेटरी सॉन्ग, सोलेटरी सॉन्ग दैट विशल्स इन द माइंड, दीज लाइन्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू लूसी ग्रे, स्टॉर्मी नाइट ऑल्सो रिलेटेड टू लूसी ग्रे, सोलिट्री सॉन्ग स्टॉर्मी नाइट, सोलिट्री सॉन्ग ऑल्सो रिलेटेड टू लूसी ग्रे। विच पोएम इज नॉट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, टू मिल्टन, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, द रेवरी ऑफ पुअर सुजान, एंड मेंडिंग वॉल, मेंडिंग वॉल इज नॉट रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ। देखिए द रेवरी ऑफ पुअर सुजान भी रिलेट करती है, टू मिल्टन तो है ही, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील लूसी की ही एक पोएम है, पाँच पोएम में से एक, द रेवरी ऑफ पुअर सुजान भी इसी की है, ध्यान रखिए द रेवरी ऑफ पुअर सुजान भी जो है इसी की पोयम है, किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन, एंड 22 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखना है हमको। 22 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच पोयम इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, नटिंग, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द क्रैडल रॉकिंग इंडलेसली, या नन ऑफ अबव, कौन सी पोयम इनके द्वारा लिखी गई है, तो नटिंग पोयम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, एंड विच पोयम, नटिंग पोयम। सुना है आप लोगों ने नटिंग पोयम के बारे में, ये नटिंग पोयम जो है 1800 यानी 1800 में लिखी गई नटिंग पोयम, और इट वॉज इंटेंडेड टू बी पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड, ये भी क्या है, प्रिल्यूड का ही पार्ट है, ये भी क्या है, प्रिल्यूड का ही पार्ट है, एंड डिपिक्ट्स वर्ड्सवर्थ मेमोरी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, सॉरी नटिंग में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड के ही बारे में बताया गया, नटिंग में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड के वर्ड्सवर्थ की मेमोरी में जो अर्ली चाइल्डहुड का था उसी का एक्सप्लेन किया गया। आई हमने एक रथ बताई थी, वो एक वर्ड्स टेल थी, और रुथ जो एक लेडी का नाम था, ठीक है, एक लेडी का नाम था, वर्ड्स टेल्स थी, एक लेडी का नाम था रुथ, ठीक है, जर्मनी में लिखी गई थी 1799, ठीक है, ये रिटन थी 1800 में, और ये प्रिल्यूड का पार्ट है, और फ्रेंच रिवोल्यूशन भी प्रिल्यूड का पार्ट है, बुक 11 में इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। 23 क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड वॉज चूजन बाई वर्ड्सवर्थ कॉलरीज मिस्टर मिसेज वर्ड्सवर्थ या साउदी, तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मिसेज वर्ड्सवर्थ ने टाइटल चूज किया था द प्रिल्यूड, राइट। तो मूव टू नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, एंड 24 क्वेश्चन विल टेल मी विच पोयम रिटन बाई कॉलरीज डिस्क्राइब फ्रांस इन्वेजन ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, किस पोयम में लिखा है, कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि फ्रांस का जो इन्वेजन है वो रिपब्लिक ऑफ स्विट्जरलैंड है, फ्रांस एंड ओड फ्रेंच रिवोल्यूशन, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ओड टू ट्रैंक्विलिटी, तो 24 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्रांस एंड ओड, 24 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फ्रांस एंड ओड, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, फ्रांस एंड ओड, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है रिपब्लिक ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस का इन्वेजन रिपब्लिक ऑफ स्विट्जरलैंड के द्वारा फ्रांस एंड ओड में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। 25 क्वेश्चन कह रहा है, हु सेड आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, तो 25 का आंसर हो जाएगा सेले ने कहा है कि आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, क्या कहा है, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, क्या कहा है, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, ये किसने कहा है, ये कहा है शैले ने कहा है आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ।
ठीक है, किसने कहा है? हु शेड आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माइसेल्फ, सैली ने कहा है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्हेन वाज क्रिस्टोबल रिटन, क्रिस्टोबल कब लिखी गई? 26 में, 1797 में, 1797 में क्रिस्टोबल लिखी गई थी। इसमें 1797 में क्रिस्टोबल लिखी गई थी। व्हेन वाज क्रिस्टोबल पब्लिश्ड, 1797 में लिखी गई थी क्रिस्टोबल और पब्लिश्ड की गई थी 1816 में। 1797 में रिटन थी और 1816 में पब्लिश्ड की गई थी क्रिस्टोबल। कब पब्लिश की गई थी? 1816 में पब्लिश्ड की गई थी। द साइट ऑफ द फ्लटरिंग फिल्म मेक्स द पोइट रिमेंबर हिज इन फ्रॉस्ट एट मिड नाइट। द साइट ऑफ द फ्लटरिंग फिल्म मेक्स द पोइट रिमेंबर हिज इन फ्रॉस्ट एट मिड नाइट। 28 का हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा स्कूल डेज। ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन है, हु ऑल कोलेबरेटेड टू मेक लिटरेचर अडॉप्टेड टू इंटरेस्ट मैनकाइंड विच रिजल्टेड इन द लैरिकल बैलेट्स। तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी विर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का कोलेबरेटेड था मेक लिटरेचर अडॉप्टेड टू इंटरेस्ट मैनकाइंड विच रिजल्ट इन लैरिकल बैलेट्स। ठीक है, कोलेबरेटेड था किसका? कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, और उन्होंने अडॉप्ट किया था लिटरेचर में इंटरेस्ट मैनकाइंड और उसी का रिजल्ट था लैरिकल बैलेंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस पे आते हैं और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन को देखते हैं, हु रोड द फेमस प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स। प्रीफेस टू लैरिकल बैलेट्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, क्या लिखी थी? प्रीफेस टू द लैरिकल बैलेट्स। ठीक है, तो आज के ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे जो डे बाय डे आपको करा दिए जाएंगे। इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सिलेक्शन तो देखो लेना ही है और लेकर रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।